रोड सेफ्टी पर काम करने वाली राहत फाउंडेशन ने केंद्र की मोदी सरकार पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। फाउंडेशन के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही कमर्शियल गाड़ियों से स्पीड गवर्नर हटाने का फैसला ले सकती है, जिसका सड़कों तक पर विरोध किया जाएगा। फाउंडेशन के मुताबिक जितने लोग आतंकवाद का शिकार नहीं होते, उससे ज्यादा लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक रोजाना भारत में 550 लोग सड़क हादसों का शिकार होते हैं, जिससे उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। एक स्टडी के मुताबिक ज्यादातर रोड एक्सीडेंट के पीछे गाड़ियों की तेज रफ्तार मुख्य कारण होता है। भारत में सालाना 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें करीब 1.5 लाख लोगों की जान जाती है। हालांकि WHO के आंकड़ों के मुताबिक सड़क हादसे में मारे जाने वालों का आंकड़ा भारत में 2,20,000 है। इन गंभीर आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कॉमर्शियल गाड़ियों से स्पीड गवर्नर हटाने का फैसला लेने की बात अब मुद्दा बन गई है। रोड सेफ्टी एक्सपर्ट सरकार की सोच पर सवाल उठा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक सरकार ऐसा फैसला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के दबाव में लेने जा रही है, जिसका विरोध सड़कों पर देखने को मिल सकता है। देखिए, हम तो उनको रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सिर झुकाते हैं कि भाई साहब, मंत्री जी, आपको भगवान ने ओहदा दिया है, इसके साथ ये काम मत कीजिए, अगर नहीं तो लोग सड़कों के ऊपर आ जाएंगे और इस कदम को हम रोकेंगे। चाहे हमें जो भी करना पड़े, इस कदम को हम, स्पीड को हम बढ़ने नहीं देंगे। सड़क हादसों से सालाना 1,75,000 करोड़ का आर्थिक नुकसान देश को झेलना पड़ता है। रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स के मुताबिक गाड़ियों की तेज रफ्तार पर रोक लगाने से 50% दुर्घटनाएं कम की जा सकती हैं। अब जब केंद्र सरकार स्पीड गवर्नर की बंदिशें खत्म करने की बात कर रही है, इससे एक्सपर्ट्स रोड टेररिज्म बढ़ने की आशंका भांप रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहले तो देश में एक्सप्रेसवे महज 1200 किलोमीटर है, बावजूद इसके डिजाइन में कई तरह की कमियां भयावह साबित हो रही हैं। जो 2016 में नोटिफिकेशन हुआ, उसमें ये भी है, जितनी नई गाड़ियां आएंगी उसमें कंपनी फिटेड आएगा स्पीड गवर्नर। वो कंपनी फिटेड आ रहा है, कंपनी फिटेड आना शुरू हो गया। अब कंपनियां फिट कर करके दे रही हैं। भाई साहब, जब कंपनियां फिट कर करके दे रही हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? क्यों स्पीड बढ़ाना चाहते हो आप? गाड़ी की स्पीड बढ़ने से मूवमेंट फास्ट नहीं होगी, क्योंकि देश का 23 करोड़ वाहन देश की सड़कों में घूमते हैं। आपको अंदाजा लगा लीजिए आप। इंटरनेशनल रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स स्पीड गवर्नर की जरूरत के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी की सिफारिशों का भी हवाला दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आम आदमी ही नहीं, गोपीनाथ मुंडे जैसे बड़े नेता भी तेज चलते वाहनों का ही शिकार हुए थे। राहत फाउंडेशन के मुताबिक देश में इस वक्त 23 करोड़ गाड़ियां हैं, जो अमेरिका की जनसंख्या के करीब हैं। लिहाजा गाड़ियों की खपत के लिहाज से भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राहत फाउंडेशन के मुताबिक चुनी हुई सरकारें इसलिए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा मजबूत नहीं करती, ताकि प्राइवेट और कॉमर्शियल गाड़ियों की खरीद ज्यादा से ज्यादा हो सके। तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।